सच अपने ऊंचे कुल और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डिंगे मारते थे। दोस्तों, टीवी के दुनिया में यूं तो कई सीरियल ऐसे हिट हुए कि उन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं, लेकिन लोगों के बीच जो ख्याति और यश निर्देशक रामनंदन सागर की रामायण को मिला, उस कद को छू पाना आज भी किसी और के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सीरियल में दीपिका को कास्ट न करने के लिए रामनंदन सागर पर कितना दबाव बन गया? तो चलिए जानते हैं क्या थी इसकी वजह। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करके अपना राय हमें जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के बिना देर के करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, निर्देशक रामनंदन सागर की रामायण की कास्टिंग हो रही थी, हालांकि ऐसे में सीता के किरदार के लिए नाम आया दीपिका चिलखिया का, लेकिन कई लोगों ने निर्देशक बाबू को इस के लिए चेताया। दोस्तों, दरअसल सीता का किरदार करने से पहले दीपिका चिलखिया एक्टिंग के दुनिया में कदम रख चुकी थी और कई फिल्मों में नजर आई थी। हालांकि उनकी पहली फिल्म सुन मेरे लैला थी, हालांकि जिसमें वो एक्टर राज किरण के साथ अपोजिट बतौर लीड एक्टर्स में नजर आई थी। हालांकि इसके अलावा दीपिका घर का चिराग, खुदाई, सनम आपकी खातिर जैसी कई फिल्मों में दिखी थी। हालांकि 1986 में निर्देशक रामनंदन सागर का सीरियल विक्रम बेताल चल रहा था। हालांकि इसी सीरियल में दीपिका का एक राजकुमारी के किरदार में थी। हालांकि इसी सीरियल के सेट पर उन्होंने पता चला कि रामनंदन सागर के नए सीरियल रामायण के ऑडिशन चल रहे हैं। हालांकि बस फिर क्या था, दीपिका भी इसका ऑडिशन देने गई और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में इतिहास। दोस्तों, दरअसल दीपिका चिलखिया माता सीता के किरदार में इस कदर रम गई कि दर्शकों की भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने आगे के भविष्य में कभी कोई ऐसा किरदार नहीं किया। हालांकि जो लोगों के मन में बैठी इस छवि से अलग हो। दोस्तों, बता दें कि दीपिका ने आगे चलकर 1991 में बिजनेसमैन हेमंत टोपी वाला से शादी की थी। हालांकि उनकी अब एक बेटी है और एक्टर्स इंस्टाग्राम पर अब काफी एक्टिव रहती है।